वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज है संडे और सुबह की मेरी जो पूजा थी वो हो चुकी है और बस मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ। अभी संडे है तो हम लोग आज कहीं बाहर जाएंगे, तो देखते हैं कहाँ पे जाते हैं। अभी कुछ प्लान फिक्स नहीं हुआ है, पर आसपास ही जाएंगे कहीं घूमने के लिए। और प्रहान को भी आज संडे है और अभी थोड़ी ठंड भी कम हो चुकी है, तो बस यही है। और बस सुबह का मेरा काम सारा हो चुका है। अभी अभी ये प्रहान अभी रेडी हुआ नहीं है, अभी ये दूध पी रहा था। देखो इधर आ जाओ मेरा बेटा, अभी इसको रेडी करूँगी और इसके पापा भी रेडी हो जाएंगे, तो फिर हम सब चलते हैं बाहर। मिलेंगे हम आपको बाहर ही, चलिए। तो हमारी गाड़ी रेडी हो रही है, प्रहान और उसके पापा गाड़ी को अच्छे से साफ कर रहे हैं। और यहाँ पे बहुत सारी बोट है। हाँ देखो देखो क्या है वहाँ पे, क्या करता है ये? देखो कितनी सारी बोट है। ये बंदर है, पोरबंदर का ये बंदर है। और ये सारी बोटें जाती है समुंदर में, गोवा तक जाती है, फिश पकड़ने जाती है। ये सब फिशिंग की बोट्स है। सूरजपुर जाना है? नहीं, हम लोग हरसद पहुंच गए हैं। ये देखिए वहाँ पे है मंदिर है ऊपर। अभी तो ये ऊपर अभी खाली नीचे ही है। और ये है वहाँ जाने का रास्ता। प्रहान कहाँ जाना है तुम्हें? हरसद जाना है। हाँ। वहाँ पे तुम क्या करोगे? खेलूंगा। किसे खेलोगे? ढोल से? रेत से खेल, पानी भरेगा डोल में। अच्छा चलो अभी मार्केट का रास्ता, यहाँ से पूरी मार्केट शुरू होती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम लोग घर से पहुंच गए हैं। अभी मंदिर नहीं गए हैं क्योंकि अभी थोड़ा मंदिर बंद है, आए हैं जहाँ पे समुंदर है। और देखिए बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ पे और बहुत सारे बर्ड्स हैं यहाँ पे। सोचियो हाँ, अभी यहाँ पे ना पवन भी बहुत ज़्यादा है, तो शायद मेरी आपको आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है मुझे पता नहीं है, पर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही क्लीन भी है, बहुत अच्छा है। और प्रहान अभी यहाँ पे खेल रहा है, उसको तो जैसे ये लसरपट्टी और हिचका मिल गया है, तो बहुत ये यहाँ पे अच्छे से मजे कर रहा है। यहाँ पे बोटिंग भी होती है फ्रेंड्स, शायद 50 रुपये एक जन के लेते हैं बोटिंग के लिए। उस तरफ से जाते हैं और ब्रिज से क्रॉस करके यहाँ से फिर यहाँ से घुमा के वापस यहीं पे लेके आते हैं। यह है फ्रेंड्स शंकर जी का मंदिर है, पीड़भंजन भवानीश्वर महादेव का मंदिर है। ये एकदम बीच के सामने ही है और यहाँ से बीच का रास्ता बहुत ही अच्छा है। अभी यहाँ पे देखिए ये बहुत सारी बोट है जो मैंने दिखाई थी ना, कि जो पानी में जाती है सीधा समुंदर में, तो ऐसे यहाँ पे भी बहुत सारी बोट्स है। और ये है हरसद का बीच, बहुत ही खूबसूरत बीच है। आप जब भी हरसद आओ या द्वारिका जा रहे हो, तो पोरबंदर से जो द्वारिका का रास्ता है वहीं पर बीच में ये हरसद मंदिर आता है। तो फ्रेंड्स मैं तो पीछे रह गई, ये दोनों जा रहे हैं बहुत ही आगे। प्रहान तो पानी को देख के इतना वो हो जाता है ना, वो तो बहुत ही खुश हो जाता है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ की जो रेती है ना समुंदर, यहाँ पे बहुत सारे सेल्स भी हैं। अभी मैं एक बार वहाँ पे बैठ जाऊँ प्रहान के पास आराम से। हाँ
आती हूँ इन सब चीज़ों के लिए ही आती हूँ। मुझे ये सब कलेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, ये है सेल्स में से कुछ निकला है। क्या है ये? क्या ये भी फिश है मरी हुई? दिखा, देखो कितनी बड़ी है, छोटी है, छोटी है, देख ये क्या है? ये है क्रैब्स, मरा हुआ क्रैब्स है, क्रैब्स है। क्या है देखो, क्या है वहां पे, क्या है? अरे ये तो मरी हुई वही फिश है। चल उस तरफ आगे चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो शेल्स होते हैं ना, इसके अंदर से इस तरह से क्रैब्स निकलते हैं। ये देखिए, कभी भी इसको ऐसे मत छुइएगा कभी भी, वरना ये आपको काट भी सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे सेल्स हैं, तो अभी मैं वो सब सेल्स का कलेक्शन कर लेती हूँ और देखती हूँ क्या क्या अच्छा है, और उसके बाद आप सबको दिखाऊंगी कि मैंने यहाँ से क्या क्या लिया है। तो चलिए, अभी प्रहान खेल रहा है तो मैं सबसे पहले अपना ये काम कर लेती हूँ। और यहाँ पे बहुत सारे हैं तो देखती हूँ कौन कौन से मुझे अच्छे लगते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये लोग हैं ना, आप इस तरह से यहाँ से ऊपर से बोट लाए हैं और इस तरह से पानी में जा रहे हैं। अभी ये फिशिंग के लिए जा रहे हैं ये लोग, बहुत ही यहाँ पे धक्का दे रहे हैं। जय माता दी, जय माता दी। ये गई ऊपर, इस तरीके से लाइट लगाते हैं और जैसे ही ये लोग समुद्र में जाते हैं ना, तो ये लाइट्स ऑन कर देते हैं ताकि कुछ प्रकार की जो मछलियाँ होती है ना, वो लाइट देख के ऊपर आ जाती है पानी के ऊपर, तो ये लोग अच्छे से फिशिंग कर पाते हैं। अभी पता नहीं लीगल है या लीगल है, पर है बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे पोर्ट में ऐसी लाइट है, तो इस तरह से ये लोग फिशिंग करते हैं। और फिर मैं और प्रहान खेलने लगे। बच्चों के साथ खेलने में अलग ही मज़ा आता है, बहुत ही सुकून मिलता है। तो फ्रेंड्स, अभी बजे हैं रात के 11, हम लोग वापस आ गए थे, आने के बाद डिनर किया और बस अभी प्रहान सो गया है और मैं भी अभी रेडी हो गई हूँ सोने के लिए, और बस सुबह कल से मॉर्निंग से फिर से एज़ यूजुअल मंडे है तो फिर से वही रूटीन रहेगा। और जो बीच पर से मैं सेल्स लाई थी वो मैं आपको कल के वीडियो में दिखाऊँगी, क्योंकि आज
वो सब सारी चीज़ों मतलब मैं आपको बताऊंगी तो ये वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी, तो वो मैं आपको कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी। और हाँ, वो सेल्स आप कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो मिलेंगे फ्रेंड्स कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, बहुत लेट हो गया है, अभी मैं सो जाती हूँ।